सिमरन, हम जो इंसान होते हैं ना, हमें ना एक एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है. हम ना हर वक्त कुछ नया करना चाहते हैं, हम कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया समझना चाहते हैं, और हर वक्त ना हम लोगों के दिमाग में कोई ना कोई सवाल चल रहे होते हैं. और तुम जानती हो, ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, यही एक दिन जो है वो बड़ी खोज का कारण बन जाते हैं. बिल्कुल रतिका. और जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने ना हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को कुछ इस तरह से प्रभावित किया है कि अब हम इससे अलग नहीं हो सकते, और इसका श्रेय जाता है हमारे वैज्ञानिकों को. और ऐसे ही महान वैज्ञानिकों में से एक थे सर सीवी रमन, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बिल्कुल, सर सीवी रमन एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन साइंस यानी विज्ञान को समर्पित कर दिया, और उनके दिए हुए जो वैज्ञानिक मूल्य थे उनकी वजह से आज भी कई ऐसी खोज हैं जिन्हें अंजाम दिया जा रहा है. और आज है सर सीवी रमन की पुण्यतिथि, और हमारी अगली रिपोर्ट उन्हीं को समर्पित है. भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिन्हें सीवी रामन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था. चंद्रशेखर वेंकट रामन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन को देखकर प्रकाश की क्वांटम नेचर के एविडेंस की 28 फरवरी 1928 में खोज की. एक ऐसा इफेक्ट जिसे रामन इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है. वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. सीवी रामन के पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल था. सीवी रामन ने तिरुचिरापल्ली से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 10वीं में टॉप किया. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया. वर्ष 1907 में उन्होंने भारत सरकार के वित्त विभाग में अकाउंटेंट के रूप में कार्यभार संभाला. 1917 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बने. वर्ष 1928 में उन्होंने रामन प्रभाव नामक अभूतपूर्व खोज की. जब एक माध्यम में एक किरण बिखरी हुई होती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन की घटना होती है. इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1933 में वे भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान में चले गए. 1947 में उन्हें वहां रामन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नामित किया गया. उन्होंने अपने समय में लगभग हर भारतीय शोध संस्थान के निर्माण में योगदान दिया. वो 1948 में बैंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक बने, और 21 नवंबर 1970 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे. उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. आज 21 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर दूरदर्शन परिवार उनके दिए गए योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है.